तो वेलकम बैक गाइस एक और नए व्लॉग में। और भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी यार मजा ना आया भाई हमें तो इसमें। बोट के हैं ये ईयरबड्स, ठीक है, मोटी यूज करती है। मैंने कितना कल यूज किया ना पहली बार, मजा ऐसा नहीं आया भाई मेरे को तो। अगर मेरे को ना चाहिए बकवास, आवाज तो इसमें आती भी नहीं है। तेरे को सुनता कैसे, मेरे को समझ नहीं आता। इसमें सुन भी जाता है तेरे को? मन तो आली आली। हम तो देसी, ठीक है, अपने ईयरफोन। ये भी खैर है तो बोट के ही, लेकिन यार उसमें उससे आधे पैसे के है, ठीक है, उससे अच्छी आवाज है। और ब्लूटूथ है उसमें तो सबसे बेटर है, उसमें थोड़ा वॉल्यूम अप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये पता नहीं क्या ईयरबड्स, वो बोले गाँव में बोले चोचला ही चोचला। मजा ना है भाई मेरे को तो। बाकी किसी के पास कुछ और हो ज्यादा अच्छा हो तो भाई बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे को तो इसमें मजा नहीं आया। ये पता नहीं कौन सी सीरीज है, 131 ऐसे कुछ है। तो भाई टाइम हो चुका है शाम के 3:30। आज वैसे मैं सोया नहीं, ऐसे फोन चलाता रहा, स्क्रॉल करता रहा, देखता रहा ऐसे यूट्यूब। तो अभी का प्लान है, थोड़ी सी भूख लग रही है। वैसे दोपहर मैंने खाना दोपहर में ही खाया था, तो अभी मन कर रहा है थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह बनाने का। चलो बना लेते हैं। अभी बन गई चाय तेरी? चलो चाय भी बन चुकी है, तो अपने कुकिंग अभी स्टार्ट होगी। पड़ जा भाई रे, चल गई चल गई। एक हाथ से, उल्टे हाथ से। पहले भाई थोड़ी गड़बड़ कर दी थी मैंने, ये रख दिया था, ये रखने के बाद सारे बाहर आ रहे थे। अभी ये भाई गरम लग गया यार। चलो भाई इसको बनने देता हूँ। शीट उठ उठ के आ गई भाई ऊपर ही। बाकी अभी मैं मम्मी से पूछ गया था, मम्मी पॉपकॉर्न खाओगे? बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अभी ले जाके दूंगा ना, खा लेगी। ब्लॉग में डालूंगा। तो भाई पॉपकॉर्न हो चुके हैं रेडी, तो दादी को और मम्मी को देख के आता हूँ। बस दादी ने भाई थोड़ा सा ही किया, दादी मेरी कम खाया करे। तो मैं सारा आप खातर लाया भी को ना। देखो भाई मैंने पहले ही बताई थी बात, मैं व्लॉग में पहले ही बोल के चला था। मैं बोला मैं मेरी मम्मी को ना पूछ खाए थो, बोली मैं ना खाऊं। अब मैं बना के लेके जाऊंगा तो खा लेगी। देखा भाई थाली रख रही है अपने, कन्नू करी यार इतना तो ना खाऊं मैं, मैंने सारा बनाया इतना। देख रहा हूँ भाई खतरनाक है मेरी मम्मी। एक गड़बड़ होगी यार, थोड़े से इसमें बच गए, ऊपर ऊपर के निकाल के इनको दोबारा फुलाना पड़ेगा, गांव वाली आ गई कती। थोड़ा कोई बात नहीं, करते हैं जुगाड़ इनका भी। थोड़े नहीं यार काफी बच गए, तो गड़बड़ एक होगी इसमें, देख अभी भी बचे हुए। भाई खुद बना लिया करो, एक तो किसी ने कुछ बना कर दो, ऊपर तो एक्टिंग भी करे। अभी एक आइडिया, अभी एक काम करते हैं, इसको ऊपर ऊपर वाला खा लेते हैं, फिर बाद में जो बचेंगे ना इनको दोबारा फुला लेंगे। वाह भाई डिनर टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखो हमारा बच्चा ये है, हमारे घर में बच्चा। पूरा दिन ये देखती है और अब मेरे को बोल रहे डालना मत, डालोगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं ये ब्लॉग में डालूंगा। तो भाई डिनर विनर तो हो चुका है अपना। आज डिनर में कढ़ी थी, अल मेरे को कढ़ी ज्यादा पसंद नहीं है, जस्ट नॉर्मल ही है। लेकिन जहाज पे ना कढ़ी पकोड़ा बनता था, मेरे को एक ही चीज पसंद आई थी जहाज के जो कुक था उसका, सबसे मस्त जो सबसे टेस्टी लगता था वो कढ़ी पकोड़ा था। मतलब घर में मैं कढ़ी नहीं खाता बिल्कुल भी, लेकिन उसका कढ़ी पकौड़ा मेरे को एक नंबर का लगता था। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती थी जो बनती थी जहाज पे, लेकिन भाई जो घर का खाना है ना, घर के खाने का जो टेस्ट है वो अलग ही है।
भले ही आप भी, आपके साथ भी आई थिंक ऐसा होता होगा, आप कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो हफ्ता दस दिन आपको अच्छा लगेगा खाना बाहर का, लेकिन हफ्ता दस दिन बाद भाई मेरे को तो याद आने लग जाती थी घर के खाने की। जस्ट नॉर्मल होता है घर का खाना, लेकिन फिर भी ज्यादा दिन मतलब रह नहीं सकते, हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बाद मतलब वो याद आने लगते कि अरे यार घर पे ऐसा खाना बनता था वैसा बनता था। तो मेरे साथ तो इसी होता है। बाकी व्लॉग्स की लेंथ थोड़ी और बढ़ाई जाए या इतने ही इनफ है बताना कमेंट करके। तो चलो आज का व्लॉग अभी खत्म करता हूँ, एंड करते हैं, और आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जिसने अभी तक भी नहीं किया है, और दबा के शेयर किया करो ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले और वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। बाय बाय।